वीओ में स्टूडेंट्स की बहुत बड़ी प्रॉब्लम साथियों, असाइनमेंट में जो जीरो मार्क्स थे, जो एनसीए की प्रॉब्लम थी, उसका सॉल्यूशन यूनिवर्सिटी के स्तर पर कर लिया गया है। साथियों वीओ में की तरफ से बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है साथियों, असाइनमेंट के मार्क्स थे उसके लेकर कम्पलीटली जो फॉर्मूलाज है, जो नोटिस है यूनिवर्सिटी की तरफ से, वो जारी कर दिया गया है। किस किस के मार्क्स जुड़ेंगे, मार्क्स का क्या फॉर्मूला रहने वाला, आपको कितने मार्क्स मिलेंगे, अगर आप उन मार्क्स से असंतुष्ट है तो आपको किस प्रकार से फीस पे करनी है और असाइनमेंट सबमिट करवाने होंगे, वहाँ पर उस संबंधी जितनी भी जो सारी जानकारी है इस नोटिस में, वो सारी मैं कंप्लीट आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन जॉब हेल्पलाइन की एक और हेल्पफुल और लेटेस्ट इंफॉर्मेशन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि साथियों आप सभी के अच्छे से जानकारी में होगा, वीओएमयू के जब से न्यू वीसी ज्वाइन हुए हैं, तब से यहां पर वीसी महोदय ने ज्वाइन किया, उसके बाद से लगातार यूनिवर्सिटी क्विक एक्शन मोड में है और लगातार एक के बाद एक निर्णय लिए जा रहे हैं। और उसी में एक निर्णय यह लिया गया था, दो दिन पहले ही हमें अपडेशन देखने को मिली थी कि असाइनमेंट के अंकों को लेकर बाम ने निर्णय कर दिया गया, क्योंकि स्टूडेंट्स को साथियों जो रिजल्ट थे वो एनसी थे, उसके कारण कंप्लीटली जो एंट्रेंस एग्जाम है, जो कंपटीशन एग्जाम्स हैं, पीटीटी की काउंसलिंग में स्पेशली बहुत सारे स्टूडेंट्स को जो प्रॉब्लम्स हो रही थी, तो उनके कंप्लीटली सॉल्यूशन निकाला गया यूनिवर्सिटी की तरफ से। तो यहां पर इस नोटिस में जो कंप्लीटली जो बैठक हुई थी, उसमें जो नोटिस लिए गए, उसी हिसाब से ये जो नोटिस है कंप्लीटली विश्वविद्यालय की तरफ से जारी किया गया है। तो उसमें क्या क्या निर्णय लिए गए, उसको हम वन बाई वन कंप्लीटली जितने भी जो पॉइंट्स हैं उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो साथियों यहां पर आप देख पा रहे होंगे कंप्लीटली विश्वविद्यालय के ऐसे विद्यार्थी जिनके कार्यक्रम की अधिकतम अवधि शेष है, और जो जून 2020 सत्रांत परीक्षा, दिसंबर 2020, जून 2021 सत्रांत परीक्षा दिसंबर 2021 सत्रांत परीक्षा के प्रश्न पत्रों में पंजीकृत एवं उत्तीर्ण है। दिसंबर 2021 लेटेस्ट अभी एग्जाम हुई, आपने देखा पिछले दिनों, और उसके बाद इसके रिजल्ट्स भी लगातार आ रहे हैं और काफ़ी रिजल्ट्स स्पीड आए हैं इस बार पिछली बार की अपेक्षा। तो हमें आशा है कंप्लीटली ये जारी से जो चीज़ें हैं वो सारी पॉजिटिवली रहेगी यूनिवर्सिटी की, और जो नेक्स्ट सेशन से लगभग हमारी यूनिवर्सिटी जो वापस ऑन द वे, मतलब जो पटरी पर आ जाएगी, सारी व्यवस्था जो कंप्लीटली बिगड़ चुकी है कोविड के बाद से। तो यहां पर ये कंप्लीटली ये कहना चाह रहे हैं कि जितने भी जो पिछले सेशंस के जो रिजल्ट्स हैं, जो असाइनमेंट की प्रॉब्लम्स हैं जिनके रिजल्ट्स में, उन सब के लिए यहां पर इन्होंने कहा है कि परंतु आंतरिक गृहकार्य अंकों के अभाव में समय के परिणाम में अनुत्तीर्ण घोषित हो रहा है, क्योंकि उन सभी के थ्योरी पेपर क्लियर थे लेकिन असाइनमेंट में उनके जीरो मार्क्स होने से वो पूरा जो रिजल्ट था वो पूरा नॉट क्लियर हो रहा था, उसमें सब में एनसी शो हो रहा था। तो जो अनुत्तीर्ण घोषित है उन विद्यार्थियों के, उनके द्वारा सैद्धांतिक प्रश्न पत्र, जो मतलब थ्योरी पेपर में जितने मार्क्स हैं प्राप्त अंकों के डेढ़ गुना अनुपातिक अंक संबंधित प्रश्न पत्र के आंतरिक गृह कार्य में दिए जाएंगे। उक्त प्रक्रिया के अंतर्गत गृह कार्य में प्रदान किए जाने वाले अंक किसी भी स्थिति में पूर्णांक से अधिक नहीं होंगे। तो इस फॉर्मूले की अगर मैं सरलीकरण की बात करूं, जितना मेरा अनुमान कहता है, जो मेरा अनुभव है, उस अकॉर्डिंग में इसकी लैंग्वेज की जो बात करें अगर अपन समझ के, तो यहां पर यह कहना चाह रहे हैं कि उन विद्यार्थियों को उनके द्वारा सैद्धांतिक प्रश्न पत्र, जैसे मतलब थ्योरी पेपर है, आप जैसे पीजी की बात कर लें अपन, तो आपके पीजी में 80 नंबर का होता है और यूजी में 70 नंबर का होता है। तो पीजी में 80 नंबर का जो है आपका थ्योरी पेपर होता है, उसमें से आपके मान लो आपके मार्क्स आए 40 नंबर आए, मान लो आपके 50% मार्क्स आए, तो यहाँ पर ये बन गया। उसके बाद फिर आपके कंप्लीटली जैसे असाइनमेंट होता है वो 20 नंबर का होता है आपका, तो यहाँ पर ये जो मार्क्स बने आपके, ये 50% मार्क्स बने आपके, 80 में से आपके 40 नंबर आए थ्योरी पेपर में, तो 20 नंबर का आपका कंप्लीटली जो 50% बनेगा वो आपका बनेगा 10 नंबर बनेगा, और प्राप्त अंकों के 1.5 गुना अनुपातिक अंक, अब इन दोनों का अनुपातिक हो गया, उसके बाद इसका जो है मतलब डेढ़ गुना, तो आपका जो 10 का डेढ़ गुना आप समझ लें, तो आपको यहाँ पर 15 मार्क्स आपको असाइनमेंट में मिल जाएंगे। अगर आपके थ्योरी पेपर में 40 नंबर हैं पीजी के स्टूडेंट्स की बात करो एक उदाहरण देकर, तो आपको कंप्लीटली आपके असाइनमेंट में 15 नंबर आपके अपडेट हो जाएंगे। और उसके बाद मान लो किसी के, मान लो स्टूडेंट्स के मान लो 80% मार्क्स है थ्योरी पेपर में, तो वहां पर स्वाभाविक सी बात है उसका जो डेढ़ गुना करेंगे, अगर उसका 80% है तो जो असाइनमेंट के मार्क्स है उनका 80% निकालकर फिर डेढ़ गुना करेंगे तो वो पूर्णांक से ज्यादा हो जाता है। तो फिर वहां पर इन्होंने कहा है कि किसी भी स्थिति में जो मार्क्स हैं वो पूर्णांक से अधिक नहीं होंगे, तो यहां पर यह बात क्लियर हो जाती है और लगभग यही फॉर्मूला आपको देखने को मिलेगा। आपके जो थ्योरी पेपर में जो मार्क्स हैं उनका कंप्लीटली आप परसेंटेज निकाल सकते हैं, उसके बाद जो असाइनमेंट वाले मार्क्स हैं उनका परसेंटेज निकाल के अनुपातिक करके फिर उसका डेढ़ गुना आप कर देंगे, तो आपको पता चल जाएगा आपको कितने मार्क्स मिल रहे हैं और अधिकतम आपके पूर्णांक से अधिक नहीं रहने वाले, मतलब मैक्सिमम आपको वो पूर्णांक तक ही आपका डिजिट है वो पहुंचेगा। तो आपके जो थ्योरी पेपर में मार्क्स है उस अकॉर्डिंग आपके असाइनमेंट के मार्क्स अपडेट हो जाएंगे, ये मेरा अनुभव है। बाकी इसमें कुछ नॉर्मली माइनर सा कुछ अगर कुछ ऊपर नीचे होता है तो वो वापस यूनिवर्सिटी जो अपडेशन दे देगी तो उस समय हमें पता चल जाएगा। बाकी अभी तक की बात मुझे ये लगभग समझ में आई है जो मैंने आपको बता दी। वहीं अगर हम बात करें कि यदि कोई विद्यार्थी इस व्यवस्था से असंतुष्ट है तो उससे अपने क्षेत्रीय केंद्र पर पुनः भौतिक रूप से आंतरिक गृह कार्य जमा कराने होंगे, मतलब जमा करने का अवसर दिया जाएगा। मतलब आपको जो मार्क्स मिल रहे हैं उस मार्क्स में, मतलब आपको आप चाहते हैं कि नहीं ये मेरे मुझे कम मार्क्स मिले या फिर ये मुझे कम दिए गए, तो आप फिर क्या करना होगा, आपको कंप्लीटली जो आपके जो असाइनमेंट है वो आपको वापस तैयार करने होंगे और उन असाइनमेंट को वहां पर अपने रीजनल सेंटर पर जाकर जमा कीजिए, और पर सब्जेक्ट आपको 200 रुपये की फीस है वो वहाँ चालान के थ्रू जमा करनी होगी, और फिर वहाँ आप असाइनमेंट सबमिट करवा सकते हैं और फिर उन असाइनमेंट को चेक करके आपको प्रदान कर दिए जाएंगे। तो ये मतलब कुल मिलाकर जो बात यही है, असाइनमेंट के मार्क्स को लेकर जितनी भी प्रॉब्लम्स थी उसका सॉल्यूशन यूनिवर्सिटी ने निकाला है, और ये बहुत अच्छा बेहतरीन निर्णय है कि जो विश्वविद्यालय की जो बहुत सी समस्याएं थी, स्टूडेंट्स लगातार मानसिक तनाव से गुजर रहे थे, तो इनके लिए कंप्लीटली बहुत अच्छा सॉल्यूशन है कि जो आपके
थ्योरी पेपर में जो मार्क्स आ रहे हैं उसी का कंप्लीट अनुपातिक निकालकर फिर उसके डेढ़ गुना मार्क्स है वो आपके अपडेट कर दिए जाएंगे, तो काफ़ी अच्छा निर्णय है और बेहतरीन अच्छे आपके जो रिजल्ट्स हैं वो भी सारे लगभग क्लियर हो जाएंगे ऑनलाइन। ये वन बाय वन एडमिनिस्ट्रेटर ने नोटिस निकला है उस अकॉर्डिंग बहुत जल्द आपके जो रिजल्ट्स हैं वो भी आपको शो अप होने लग जाएंगे क्लियर होने के साथ ही। तो वो जितनी भी जो अपडेट आएगी वो मैं टेलीग्राम पर आपको शेयर कर दूंगा, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन रखिएगा। साथ ही ये निर्णय है साथियों जून 2022 तक ही ये लागू रहेंगे, क्योंकि साथियों अभी जो है हमारा दिसंबर 2021 के एग्जाम्स के रिजल्ट्स आ रहे हैं उन रिजल्ट्स को लगातार बहुत जल्द वो सारे डिक्लेयर हो जाएंगे रिजल्ट्स, उसके बाद फिर साथियों डिफॉल्टर फॉर्म भरवाए जाएंगे जून 2022 के और उन एग्जाम्स का आयोजन करवाया जाएगा। तो उन यहाँ जून 2022 तक ये व्यवस्था कंप्लीटली लागू रहने की बात कही जा रही है, 17 परीक्षा जून 2022 तक ही ये व्यवस्था लागू रहेगी। ये असाइनमेंट के कुछ निर्णय लिए गए हैं विश्वविद्यालय की तरफ से, काफ़ी अच्छा निर्णय है और विश्वविद्यालय की तरफ से जो छात्र हितों में एक बात जो ली गई है काफ़ी बेहतरीन, जिससे रिजल्ट क्लियर हो जाएंगे और स्टूडेंट्स की जो प्रॉब्लम है उनके सोल्यूशन हो जाएंगे। वीओएमयू संबंधी अपडेशन के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले सकते हैं, क्योंकि टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने का ये बेनिफिट कोई भी नोटिस है कुछ भी अपडेशन है तुरंत आपको वहाँ उपलब्ध हो जाएगी। YouTube पर वीडियो काफी थोड़ा लेट तैयार हो सकता है लेकिन यहां टेलीग्राम पर आपको क्विक अपडेट मिल पाती है, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी इसका इंस्टीट्यूट के इस जो निर्णय लिया गया इसके बारे में आपके क्या विचार है जरूर कमेंट्स करके बताइएगा, और कुछ समझने में प्रॉब्लम है या फिर आपको कुछ लगा वीडियो में कुछ मिस्टेक्स रही तो वो भी आप मेरे साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि मैं हूं आपका अपना परिवार का हिस्सा ही, हम सभी तो आपस में अच्छे से कन्वर्सेशन कर सकते हैं। आप कुछ मेरे से शिकायत है तो आप मुझसे बात कर सकते हैं, बता सकते हैं कमेंट्स के थ्रू। साथियों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, मिलेंगे और किसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।